हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूसेलिस। इस वीडियो में 15 नवंबर 2021 का मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मूव्ड एन ऑर्डिनेंस प्रपोजिंग एन एक्सटेंशन ऑफ अ टेन्यूर ऑफ सीबीआई एंड ईडी डायरेक्टर्स अप टू हाउ मेनी ईयर्स। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है, यानी जारी किया है, फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टेन्यूर ऑफ सी बी आई एंड ई डी डायरेक्टर्स। यानी सी बी आई एंड ई डी का जो चीफ होते हैं उनका कार्यकाल को एक्सटेंशन कर दिया गया है। कितने साल एक्सटेंशन कर दिया गया है? ये 5 साल तक एक्सटेंशन कर दिया गया है, क्योंकि पहले था ये 2 ईयर्स, अभी हो गया 5 ईयर्स। यू कैन सी द कटआउट ऑफ द हिंदी न्यूज़पेपर, सी बी आई एंड ई डी चीफ्स कैन नाउ हैव 5-year terms। ओके, ई डी का फुल फॉर्म क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इसका चीफ है संजय कुमार मिश्रा और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनका डायरेक्टर का नाम है सुबोध कुमार जायसवाल और उसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज बिरसा मुंडाज बर्थ एनिवर्सरी। यानी बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी कब ऑब्जर्व किया जाता है? यह 15 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स फर्स्ट जनजातीय गौरव दिवस यानी ट्राइबल प्राइड डे ऑन 15 नवंबर 2021। इस साल यानी 2021 में पहली बार 15 नवंबर को इंडिया सेलिब्रेट किया है ट्राइबल प्राइड डे, जिसको कहते हैं जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, ये क्यों सेलिब्रेट किया गया है? टू रिमेंबर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। जो जनजातीय फ्रीडम फाइटर्स है उनका कंट्रीब्यूशन को याद रखने के लिए यह दिवस सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, कैबिनेट ओकेस डिक्लेरेशन ऑफ बिरसा मुंडास बर्थ एनिवर्सरी ऑन 15 नवंबर एज जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो गया, उनका न्यू नेम क्या है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया ये। यह रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल में है ये। ठीक है, भोपाल हबीबगंज स्टेशन रीनेम्ड आफ्टर ट्राइबल क्वीन, यानी रानी कमलापति ये थे ट्राइबल क्वीन। देन क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया विल बी रिसीविंग एन S-400 ट्रम्प एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम व्हिच नेशन। इंडिया रिसीव करेगा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा कंट्री से रिसीव करेगा? ये रशिया से रिसीव करेगा। ठीक है, इंडियाज एयर डिफेंस गेट्स ए बिग बोस्ट, रशिया स्टार्ट्स डिलीवरी ऑफ S-400 मिसाइल्स। रशिया ऑलरेडी डिलीवरी स्टार्ट कर दिया है टू इंडिया, क्या S-400 मिसाइल सिस्टम। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, हु विल टेक चार्ज एज द हेड ऑफ नेशनल क्रिकेट एकेडमी। यानी नेक्स्ट नेशनल क्रिकेट एकेडमी का हेड कौन बनेंगे? ये हो गए BBS लक्ष्मण ने। ठीक है, क्योंकि उनके पूर्व कौन थे? राहुल द्राविड़, अभी नया कौन हो गया? BBS लक्ष्मण। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब न्यू वीडियो लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, चलिए, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी BCCI का फुल फॉर्म क्या हो गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी NCA ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ठीक है, BCCI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और उनका प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला एंड सेक्रेटरी है जय शाह। देन क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू इंटरनेशनल लॉ कमीशन फॉर 5-year term। इंटरनेशनल लॉ कमीशन को 5 साल के लिए किसको चुना गया है? ये प्रोफेसर बिमल पटेल, प्रोफेसर बिमल पटेल जी को चुना गया है टू इंटरनेशनल लॉ कमीशन फॉर 5 ईयर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच टू कंट्री विल प्ले इन द फर्स्ट मैच एट द वुमेन्स क्रिकेट T20 टूर्नामेंट व्हाइल मेकिंग डेब्यू एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। पहले याद रखिए 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स ये कहाँ पर होगा? ये इंग्लैंड में होगा। इंग्लैंड में कहाँ पर होगा? बिरमिंगम में होगा ये। ठीक है, और ये कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार वुमेन्स क्रिकेट T20 को ऐड किया गया है, इसको कहते हैं डेब्यू। ठीक है, जो पहली बार ऐड किया जाता है इसको कहते हैं डेब्यू।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनका जो पहला मैच होगा, फर्स्ट मैच होगा, कौन दो कंट्री के बीच में ये मैच होगा, ये होगा इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बीच में होगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड अम्बेसडर एंड मेंटर ऑफ किड्स स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड प्लेटो। जो प्लेटो है ये किड्स स्पोर्ट्स वेयर का ब्रांड है, ठीक है। उनका ब्रांड अम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है, ये राहुल द्रविड़ को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट ये बुक का ऑथर कौन है, यह अजय कुमार एंड अर्जुन सुब्रमण्यम। डॉक्टर अजय कुमार ये कौन है, ये इंडियाज डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने ये बुक को रिलीज किया है, ठीक है। इसका नाम है फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10 यानी लास्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए रोड सेफ्टी इनिशिएटिव नेम्ड रक्षक। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अभी रिसेंटली कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने एक रोड सेफ्टी इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है रक्षक। इसका काम क्या है, टू ट्रेन फास्ट रेस्पॉन्डर्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, यानी जब रोड एक्सीडेंट होगा तो उनका जो विक्टिम है, जो रोड एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए जो भी वॉलंटियरली उनको हेल्प करेगा उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो कैसे हेल्प करेंगे, उनका जो रिक्वायरमेंट यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे देंगे, कैसे हॉस्पिटल में उनको पहुँचाएंगे, ठीक है। वो जो वॉलंटियर जो भी आएगा उनको ट्रेनिंग देंगे, कौन से इनिशिएटिव के अंडर होगा, ये रक्षक के इनिशिएटिव के अंडर ही होगा, ठीक है। और कौन सा स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया है, ये ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।